और जिस चिट्ठी की बात गुलाम नबी आजाद ने की वो चिट्ठी एबीपी न्यूज के पास है। ये चिट्ठी जो आप देख रहे हैं, इस चिट्ठी में अस्पताल के कर्मचारी ने ऑक्सीजन की कमी की बात लिखी थी। अस्पताल के कर्मचारी ने परसों यानी 10 अगस्त को चिट्ठी भी लिखी थी और चेतावनी भी दी थी कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है तो बच्चों की जान पर खतरा भी हो सकता है, लेकिन इस चिट्ठी का लगता है कोई असर नहीं हुआ और ऑक्सीजन की कमी के चलते 36 बच्चों की जान चली गई। ये चिट्ठी देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं क्या कुछ लिखा गया इस चिट्ठी में। अस्पताल के कर्मचारी ने ऑक्सीजन की कमी की बात इसमें साफ तौर पर लिखी थी। परसों यानी 10 अगस्त को ये चिट्ठी लिखी गई थी और चेतावनी दी गई थी कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है तो बच्चों की जान पर खतरा हो सकता है। पुष्पा सेल्स के अधिकारी से बार बार बात करने पर पिछला भुगतान ना किए जाने का हवाला देते हुए, पुष्पा सेल्स दरअसल वो प्राइवेट कंपनी है जो ऑक्सीजन सप्लाई करती है, लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई देने से इनकार कर दिया है। तत्काल ऑक्सीजन की व्यवस्था ना होने पर समस्त वार्डों में भर्ती मरीजों की जान का खतरा है। तो सीधे तौर पर यह चेतावनी दी गई है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की जान का खतरा हो सकता है। जो निजी कंपनी है उसके अधिकारी से बार बार बात की गई और पिछला भुगतान ना किए जाने पर कंपनी ने यह कह दिया कि लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई देने से इनकार कर दिया। कंपनी ने समस्त वार्डों में भर्ती मरीजों की जान का खतरा है, यह साफ तौर पर इस चिट्ठी में कहा गया है। पुष्पा सेल्स के अधिकारी से बार बार बात करने पर यह बात सामने आई कि जो बकाया है अगर वो नहीं चुकाया गया तो ऑक्सीजन की सप्लाई ठप हो जाएगी। चिट्ठी में ऑक्सीजन की कमी की बात साफ तौर पर लिखी गई है। गोरखपुर में बच्चों की मौत को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है। ये जो चिट्ठी है ये अस्पताल के कर्मचारी ने 10 अगस्त को लिखी थी। चिट्ठी में ऑक्सीजन की कमी की बात कही गई थी, उसके बाद भी यह हादसा हो जाता है। गोरखपुर में बच्चों की मौत पर यह बड़ा खुलासा एबीपी न्यूज कर रहा है। अस्पताल के कर्मचारी ने 10 अगस्त को यह चिट्ठी लिखी थी। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, हमने देखा इस चिट्ठी में किस तरह साफ तौर पर यह चेतावनी दी गई है कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो बच्चों की जान पर खतरा हो सकता है, लेकिन लगता है किसी के भी कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। देखिए, सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ झूठ है। ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई की वजह से नहीं है हुआ है, और अगर आप चिट्ठी में देखें इस बात की जानकारी कि उसका करीब पैसा बकाया था पुष्पा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड का, इस बात की जानकारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल राजीव मिश्रा को भी थी और गोरखपुर के डीएम राजीव रौतेला को भी थी और जो हेल्थ एजुकेशन के जो डायरेक्टर होते हैं डीजीएमई उनको भी, यानी इन सारे लोगों को इस बात की जानकारी थी। इसके बावजूद सबसे हैरानी करने वाली बात यह है कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल राजीव मिश्रा ऋषिकेश चले जाते हैं छुट्टी पर, जब पता रहता है कि उनके यहाँ ऑक्सीजन की क्राइसिस हो गई है। ये तो वही बात हुई कि शहर में दंगा हो जाए और कप्तान एसएसपी वहां से चला जाए। सबको इस बात की जानकारी थी और उसके बावजूद अगर पेमेंट वक्त पर नहीं हुआ तो इसके जिम्मेदार तो वही लोग होंगे ना। बिल्कुल पंकज, और ये भी हैरानी की बात है कि जब ये मालूम था कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है और पैसा नहीं है तो कम से कम इन मरीजों को कहीं और रेफर कर देते, कह देते कि दूसरा अस्पताल चले जाएं। नहीं, इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री को दे देते। वो 9 तारीख को खुद ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज में दौरे पर थे। मीटिंग में उन्होंने पूछा आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो किसी प्रकार की, उनको वही बात बता दी जाती। इसके वैकल्पिक इंतजाम किए जा सकते थे, बहुत सारी चीजें हो जाती थी। किसी भी डीएम के पास कम से कम 80 से 100 करोड़ का कंटीजेंसी का फंड होता है, 70 लाख रुपए देने कौन सी बड़ी बात होती है, तुरंत पैसा मिल जाता है, लेकिन किसी ने इसकी जरूरत ही नहीं समझी। बिल्कुल पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, जैसे ही कोई अपडेट होगा फिर से हम आपका रुख करेंगे। तो सवाल यही बना हुआ है कि इन 36 मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है और आखिर इसे हत्या फिर क्यों ना माना जाए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।